कल रात मुंबई में रखी गई अर्जुन कपूर की फिल्म मोस्ट वांटेड की स्क्रीनिंग, जहां फिल्म के लीड अर्जुन तो थे ही, साथ ही बॉलीवुड के कई और सितारे नजर आए। जिसमें मनोज बाजपेयी, राधिका मदान और उसके बाद राजकुमार राव विद ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड पत्र लेखा। फिर यहां दिखाई दिए धड़क से बॉलीवुड में एंट्री करने वाले और शाहिद कपूर के ब्रदर ईशान खट्टर। ईशान के बाद नजर आई सोफी चौधरी, इसके बाद वहां दिखाई दी दंगल गर्ल सानिया मल्होत्रा, जो यहां बहुत ही खूबसूरत नजर आ रही थी। भाई, मौका अर्जुन के लिए इतना खास हो और चाचू अनिल ना पहुंचे, ये तो हो ही नहीं सकता। यहां अनिल कपूर भी अपने खास दोस्त अनुपम खेर के साथ स्क्रीनिंग में पहुंचे। अनुपम और अनिल ने यहां साथ में मीडिया को पोज भी दिया। आपको बता दें कि फिल्म मोस्ट वांटेड 24 मई को रिलीज होगी। फिल्म को लेकर जबरदस्त बज बना हुआ है। फिल्म में अर्जुन कपूर एक ऐसे ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं, जो वांटेड आतंकी को पकड़ने के लिए बनी टीम को लीड कर रहा है। इस फिल्म में कोई भी फीमेल लीड एक्ट्रेस नहीं है। मोस्ट वांटेड एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसे राजकुमार गुप्ता, मायरा कॉन और फॉक्स स्टार स्टूडियो प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म जल्द ही दर्शकों के बीच आ रही है। अब देखना ये होगा कि ऑडियंस अर्जुन की फिल्म को कितना प्यार देती है। क्या आप मोस्ट वांटेड देखने के लिए एक्साइटेड हैं? इसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए।